आपका? मेरा नाम मोहम्मद आकिब है और अब से पहले हमने 2016 में भी एजुकेशन को लेकर मांग उठाई थी, लेकिन सरकार के अभी तक कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। तो हमारी मांग थी, उसमें मुख्य मांग हमारी ये थी कि उच्च स्तर पर शिक्षा में गुणवत्ता हो और हर ब्लॉक में उच्च स्तर पर विद्यालय और मेवात के लिए एक यूनिवर्सिटी की हमने डिमांड की थी। उसी में हमने जामिया मदारी से जो फारिगीन हैं उनके लिए जैसे जामिया JNU और दूसरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मदारी से फारिगीन के लिए एडमिशन के लिए बेहतर सुविधा हो, और जो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, प्राइमरी हैं, हायर स्कूल हैं, उनमें स्कूल तो हैं लेकिन टीचर नहीं हैं, उनमें टीचर की पूर्ति की जाए ताकि मेवात के शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके। मतलब क्या मांग है तुम्हारी, ऐसी क्या मांग रख रहे हो जो आपको एक हरियाणा के अंदर धरना प्रदर्शन करना चाहिए था, दिल्ली के अंदर हरियाणा भवन पर धरना प्रदर्शन करना? क्योंकि मांग के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि जब अपनी मांग रखनी हो तो जिससे मांग रहे उसके घर में जाएं। तो हम हरियाणा भवन पर इसलिए आए हैं ताकि हमारी बातों को माना जाए, क्योंकि हरियाणा का जो मेवात जिला सबसे पिछड़ा जिला है, अब हरियाणा का ही नहीं रहा बल्कि जबकि ये हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका रह चुका है, और सरकार हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार कर रही है कि लिटरेसी रेट था जो पिछले साल 2001 में सेंसेक्स में जो 58% था वो 2% गिर के 56% रह गया है। ये जो लिटरेसी रेट में गुणवत्ता में जो कमी आई है इसमें सरकार दोषी है, और हमें कोशिश करते हैं कि एजुकेशन के मामले में हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं, मेवात के लिए एक बेहतर यूनिवर्सिटी कायम की जाए और मदारी से फारिगीन के लिए ऐसे सरकार एजुकेशन सिस्टम मुहैया करे ताकि वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में उनके लिए एडमिशन मिल सके, ताकि हमारे बच्चों का पूरे मेवात का भविष्य अच्छा बन सके। क्या नाम है? कहाँ से आयो? सिकरावा से। क्या क्या मांग है तुम्हारी, किस मांग को लेकर आयो? शिक्षा की मांग लेकर आएंगे। शिक्षा में क्या चाहते हो आप? शिक्षा में हम यही चाहते हैं कि जो हमारा मेवात हो वह शिक्षित हो पूरी तरह से, और उसके लिए एक यूनिवर्सिटी की मांग की गई है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग? मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। सलमान खान। सलमान खान? यस सर। कहाँ से आए हो? मेवात से। मेवात कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? सर मैंने BSc कंप्लीट कर ली है। BSc कंप्लीट कर ली है, तो आप क्या मांगे तुम्हारी यहाँ? सर हमारी मांगे एक मेवात एक पिछड़ा इलाका है, हम सोच रहे हैं हमको भी पढ़ने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, या दिल्ली आना पड़ता है या गुड़गांव आना पड़ता है। जैसा आपका पता है मेवात एक पिछड़ा इलाका, हम इसको एजुकेशन के दूर इसको मतलब इसके पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं, इसलिए हम यूनिवर्सिटी की मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन जी, क्या मांग है, क्या मांग लेके आए हो यहाँ पे? जी हमारी जो खास मांग है वो ये है कि आप जानते होंगे जो मेवात डिस्ट्रिक्ट है वो इंडिया के सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ तक उसमें रेलवे लाइन भी नहीं है और कॉलेज भी नहीं है वहाँ पर। तो सबसे बड़ी मांग यही है कि हमारी सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी मिले, उसके अलावा ब्लॉक स्तर पर हमारी कॉलेज की मांग है कि हर ब्लॉक में कॉलेज होना चाहिए, वहाँ पर एक ही कॉलेज है सरकारी जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो एक ही कॉलेज है, हम चाहते हैं हर ब्लॉक में कॉलेज हो और यूनिवर्सिटी खासतौर पर हमारी बड़ी डिमांड है।